ये जो वैक्सीन्स हैं ये डिजीज़ प्रिवेंटिंग वैक्सीन्स नहीं हैं, ये डिजीज़ मॉडिफाइंग वैक्सीन्स हैं। तो जिनको दोनों डोज मिल चुकी हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ बहुत मिनिस्क्यूल होता हैगा। और इसमें हम लोग ने एक डेटा भी इकट्ठा किया है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स का, करीबन 1 लाख करीब फ्रंट लाइन वर्कर्स का, जिसमें ये देखा गया कि यदि दोनों डोज वैक्सीन की लगी हैं तो डेथ्स जो हैं वो 6 प्रति लाख होती हैं, और यदि एक डोज लगी है तो 21 प्रति लाख होती हैं, और यदि एक को डोज नहीं लगी है तो 117 करीबन 100 से ज़्यादा हो जाती हैं डेथ प्रति लाख। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन्स हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएंट्स भी हो सकते हैं और इम्यूनिटी जो पुरानी है वो भी थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए हम लोग को केयरफुल रहना ज़रूरी है। रिगार्डिंग द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन्स, वी नो द एफिकेसी ऑफ दीज वैक्सीन्स द करंटली दैट आर बींग यूज इन इंडिया आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ द एल्फा एज वेल एज द डेल्टा वेरियंट। वी हैव डन स्टडीज़ इन द लेबॉरेटरी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दे आर वर्किंग अगेंस्ट बोथ दीज वेरियंट्स। हाउ एवर इफ द नीड बी दैट दीज वैक्सीन्स हैव टू बी मॉडिफाइड स्लाइटली, देन द ओरिजिनल दीज वैक्सीन्स हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द ओरिजिनल स्ट्रेन विच वॉज फाउंड इन इन द फर्स्ट वेव, एंड देयर फोर द वेरियंट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉडिफाई दीज वैक्सीन्स। From the Indian Council of Medical Research, National Institute of Virology, we have been able to isolate these variant strains. We have cultured these variant strains, and we have shared some of these strains with the vaccine manufacturers. If need be, they can modify the vaccines.